सीनियर साफी तजियाकार हामिद मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। हामिद मीर साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप बेरूत गए, आपने आंखों देखा, अहवाल बताइए, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है लबनान के शहरियों को, बमबारी के बाद इस वक्त क्या सूरत हाल है, सबसे पहले तो ये बताइए। देखें, मैंने 2006 में भी लबनान और इसराइल की जंग को कवर किया था, उस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिन वहाँ पर मैंने गुजारे थे। उसकी वजह यह थी कि जो बेरूत का एयरपोर्ट था वो बंद हो गया था और लबनान और शाम की जो सरहद है वो भी बंद हो गई थी। ये जो 2024 की जो लड़ाई है इसमें मैंने 2006 की नस्बत वहाँ पे ज़्यादा दिन नहीं गुजारे, उसकी एक बुनियादी वजह है कि इस दफ़ा जो लड़ाई है उसमें ज़्यादा शिद्दत है, और जो 2006 में जो जंग हो रही थी उस जंग में जो मुकामी आबादी थी उसका सहाफ़ियों के साथ जो उनका तर्ज अमल था वो काफ़ी कोऑपरेटिव था, वो काफ़ी तावन करते थे। लेकिन इस मरतबा हमने देखा है कि जो मुकामी आबादी है वो सहाफ़ियों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे, ख़ास तौर पे जो वेस्टर्न जर्नलिस्ट थे उनके साथ तो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे। जितने दिन मैं बेरूत में, अलसैदा में, त्रिपोली में और लबनान के इलाकों में मैं रहा तो मैंने ये देखा कि जो इसराइल है वो बड़ी आसानी के साथ हिजबुल्ला के दफातर को, हिजबुल्ला के फौजी ठिकानों को बड़ी आसानी के साथ निशाना बना रहा था, और उसकी एक बड़ी वजह थी कि टेक्नोलॉजी जो है वो उसमें बढ़तरी है इसराइल को, ख़ास तौर पे उनके जो ड्रोन हैं तो उनके ड्रोन जो हैं वो बहुत एक्टिव थे नज़र वहाँ पे लबनान में, और वो जब जिस वक्त चाहते थे वो जाके कहीं पर भी वो हिजबुल्ला के ठिकानों को निशाना बनाते थे। सिर्फ हिजबुल्ला नहीं बल्कि हमास के कुछ लीडर जो लबनान में मौजूद थे उनको भी उन्होंने निशाना बनाया। हिजबुल्ला जो है उसकी जो मिलिट्री पावर है वो बज़ाहिर कहा जाता है कि 1 लाख के करीब फाइटर्स हैं उसके पास, लेकिन उन 1 लाख में जो बाकायदा लड़ने वाले जो फाइटर हैं वो मेरा ख्याल है 40,000 के करीब हैं, और उन सब को असलाह और बाकी जो उनकी ज़रूरियात हैं वो सारी की सारी ईरान पूरी करता है। और हिजबुल्ला के पास एयर पावर इतनी ज़्यादा नहीं है, हाँ उनके पास इजरायली जहाज़ों का मुकाबला करने के लिए कुछ मिसाइल हैं लेकिन एयर पावर उनके पास नहीं है। तो ये जो लबनान में जो इस वक्त जंग चल रही है ये दरअसल हिजबुल्ला जो है वो ईरान की प्रॉक्सी है, तो ये ईरान और इसराइल के दरमियान चल रही है, और इसराइल जो है वो ग्राउंड फोर्सेस को कम इस्तेमाल कर रहा है और एयर फोर्स को और ड्रोन्स को ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, और इसलिए अभी तक इसराइल जो है वो लबनानियों का यानी कि हिजबुल्ला का बहुत ज़्यादा नुकसान करने में कामयाब है।